नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। साजिश की चैट डीकोड, ये हम क्यों कह रहे हैं ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। आरोपियों पर एक के बाद पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए ये पोस्टर जारी किए गए हैं। लोगों से उपद्रवियों के बारे में सूचना देने की अपील की गई है। तो बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। ये पोस्टर देख लीजिए, 40 उपद्रवियों के ये पोस्टर है। तस्वीरें साझा की गई है, संदिग्धों की पहचान की भी बात की गई है। ये वो चेहरे हैं जो कानपुर हिंसा में शामिल होने की बात जिनकी कही जा रही है। इन उपद्रवियों का पोस्टर प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। 40 उपद्रवी हैं जिनका पोस्टर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। तो कानपुर हिंसा में रोज बेरोज खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे में इन खुलासों का भी हम जिक्र यहां पर करेंगे। जो साजिश की चैट सामने आ रही है, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उसको डिकोड भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये पोस्टर आप देख लीजिए, ये वो पोस्टर है जो पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। 40 उपद्रवी है इस पोस्टर में। इन 40 उपद्रवियों का पोस्टर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और इनकी पहचान की बात भी कही जा रही है। तो सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। लोगों से उपद्रवियों के बारे में सूचना देने की अपील की गई है। अगर आपको इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास है, इन संदिग्धों से जुड़ी हुई, तो प्रशासन तक आप इनसे जुड़ी जानकारी जरूर पहुंचाए। पुलिस ने अपील की है लोगों से कि इनसे जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए। कानपुर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से बवाल हुआ, जो पत्थरबाजी देखने को मिली और जो पूरा बवाल वहां पर हुआ, उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 40 उपद्रवी हैं इस तस्वीर में। ध्यान से देखिए, ये वो चेहरे जो कानपुर हिंसा में शामिल होने की बात जिनकी कही जा रही है। ये वो गुनहगार हैं जिनकी वजह से कानपुर में बवाल हुआ। उस दिन बवाल हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कानपुर में मौजूद थे, और ऐसे में इन गुनहगारों का ये पोस्टर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। ये 40 उपद्रवी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, पूरे 40 उपद्रवी हैं जिनके पोस्टर ये जारी किए गए हैं। ये पूरा पोस्टर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है उपद्रवियों का। लोगों से अपील की गई है कि अगर आपके पास इनसे संबंधित कोई भी जानकारी है तो प्रशासन तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल रघुवंशी मेरे साथ जुड़े हैं और साथ ही श्याम तिवारी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का पहले सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब प्रशासन की तरफ से ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया है और सीधे तौर पर कहा गया अगर कोई भी जानकारी है तो पुलिस को दे पूरी अपडेट। देखिए बिल्कुल, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे दंगे को भड़काया है। इस दंगे में इनकी रोल जो है सामने निकल गया है। 40 ये 40 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे उपद्रव में बड़ी भूमिका निभाई है। कानपुर पुलिस की तरफ से ये पोस्टर जारी कर दिया गया, 40 चेहरे। और देखिए आप, बिल्कुल साफ तौर पे ये चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से बकायदा प्रोफेशनल की टीम लगी थी और को पिक्चर में तब्दील किया है, और ये 40 चेहरे जो हैं ये कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। ये 40 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा उपद्रव किया है। ये 40 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा है। ये 40 चेहरे ऐसे हैं जो इस पूरे हिंसा के पीछे मेन रोल निभाए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, सभी बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर दिखाई पड़ रहा है, तो कोई हमला करने की जो मुद्रा है उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इन 40 चेहरों को अगर कानपुर की जनता जो है पहचानती है तो वो कानपुर पुलिस को जानकारी दे सकती है। शाम का भी सीधे रुक करते हैं। शाम, इसके अलावा प्रशासन ने आगे का जो पूरा कार्यवाही के लिए मैप तैयार किया है वो क्या है? क्या इसके अलावा भी और चेहरे हैं जो पुलिस की निशानदेही पर है इन 40 चेहरों के अलावा?
देखिए आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा पुलिस लगातार उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जिनकी भूमिका इस दंगे में रही है, चाहे वो सक्रिय रूप से पत्थरबाजी करने के रूप में रही हो या फिर बैकग्राउंड में लोगों की मदद करने के रूप में रही हो, लोगों को भड़काने के रूप में रही हो। ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। वहीं लगातार जो CCTV फुटेज है और जो पुलिस के पास वीडियो मौजूद हैं, उनमें जो चेहरे निकल करके सामने आ रहे हैं उनको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पहली लिस्ट है, आपको बता दें कि ये पहला पोस्टर है जिसमें 40 लोग शामिल किए गए। इस तरीके के कई और पोस्टर भी जारी होने हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको पुलिस पहचान नहीं पाई है, या ये कहा जाए ये इस क्षेत्र के रहने वाले लोग नहीं हैं, जिन्हें आसपास के लोग भी नहीं पहचानते हैं। आपको बता दें, इस पूरी हिंसा में कहा यह जा रहा है कि जाजमऊ और दूसरे इलाकों से भी लोगों को बुलाया गया था, और दोनों जगह पर जो अगल बगल में मस्जिदें हैं दूरों पर, इन लोगों ने वहाँ पर पहले नमाज अदा की और उसके बाद जब हिंसा का प्लान था, दुकानों को बंद करने का प्लान था, तब वो उस भीड़ में शामिल हुए और इशारा पाते ही उन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया था। तमाम तस्वीर हमारे सामने आई, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, विशाल जो CCTV फुटेज सामने आए हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कानपुर में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ संयोग नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। सब कुछ प्लानिंग के बतौर प्लानिंग सब कुछ किया गया, एक पूरा रोड मैप पहले तैयार कर लिया गया था कि क्या करना है, कैसे कानपुर में बवाल करना है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये केवल जो है गुस्सा होकर एक एक्शन करने की जो है कहानी नहीं हो सकती है। इसके पीछे पूरी साजिश की एक कहानी रची गई थी। बकायदा पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल लिया गया था। इसके साथ साथ जो हिंसा करने आए थे, उन्होंने अपने चेहरों को जो है गमछों से, कपड़ों से, रुमालों से ढक रखा था। इसके बावजूद भी CCTV कैमरे में कुछ जगहों पर कुछ चेहरे सामने आए, जो 40 चेहरे ये सामने निकल के आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे उपद्रव के पीछे एक पूरी सोची समझी साजिश थी। D2 गैंग से लेकर PFI तक के तमाम कनेक्शन जो है वो सामने निकलते आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भीड़ थी, वो भीड़ जो है उसको उकसाया जा रहा था, जो भीड़ थी उसको जो है उग्र किया जा रहा था। लगातार जो फुटेज हमने देखे, हम इस वक्त जो है हाथे पे मौजूद है, और यहीं पर सबसे पहले भीड़ जो है वो उग्र होकर जब उस पटरी पर थी तो वो इस तरफ आई थी। तो ऐसे में तमाम जो फुटेज आए थे, हाथों में जो पत्थर लिए थे, पॉलिथीन में पत्थर लिए थे, ठेले पर पत्थर रखे हुए थे, तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये केवल नाराज होकर एक रिएक्शन नहीं हो सकता, इसके पीछे पूरी एक साजिश थी। और अब इन साजिश के जो गुनहगार हैं उनकी तस्वीर सामने आई है। भले ही इस पूरे मामले में 38 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन जो नई तस्वीर आई है 40, ये 40 वो गुनहगार हैं जिन्होंने अमन और शांति को भंग करने की कोशिश की। इन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। इसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो इंसानियत से अलग हटकर बात करते हैं। इनका सीधे तौर पर मकसद होता है कि अशांति फैलाकर दो वर्गों को आपस में लड़ाया जाए। तो शायद ये तस्वीर जो है ये उन लोगों के लिए आप जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि काल बने जो लोग इसमें शामिल थे। ये तस्वीर अब कानपुर पुलिस से जारी कर दी गई है। कानपुर के लोगों को इन लोगों को पहचानना है और कानपुर की पुलिस को इतला करनी है, ताकि ये जो अमन और शांति के जो भंग किए हैं ये जेल की सलाखों के पीछे जाए, इनको सजा मिल सके, ताकि एक बड़ा संदेश जा सके कि आगे कोई इस तरह की घटना ना कर सके। फिलहाल पोस्टर जो है वो कानपुर पुलिस तरफ से जारी कर दिए गए हैं। पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, और निशानदेही की बात भी कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो तुरंत इसके लिए इत्तला करें। शाम